एंड वेलकम गाइज, मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वैसे तो अगर कहा जाए तो, जिसका टाइटल है, जिस पर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, 7 पुअरेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए बन जाता है क्योंकि एक स्ट्रगल कर जो बंदा पहुंचता है, कामयाब होता है। हम सब ने कामयाबी देखी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग बस वहीं तक अपने जहन में रखते हैं जहां से एक बंदे को लाइमलाइट मिली है कि वो हीरो बनाए, 1950 में बनाए, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1950 से हीरो बनाए, ठीक है। बहुत से लोग यहीं पर देखते हैं, अच्छा काम है, उसकी वीडियोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, एक हीरो बनाए बंदा, तो बस वहीं तक रखते हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी कि वो पुअर था, उसका स्ट्रगल क्या था, वो देखना भी ज़रूरी है। अगर आपको उसे दिल से चाहना है तो वो देखना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इसमें कौन से क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के गरीब थे। मैं भी देखना चाहूँगा, एक इंटरेस्ट जा गया है इसके टाइटल को देखकर। करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में ऐसे कई नाम सामने ला चुका है जिन्होंने शोहरत और दौलत रातों रात हासिल नहीं की, बल्कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के साथ ऐसे मायानाज क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिनको गुर्बत की वजह से क्रिकेट की दुनिया में एंट्री के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। लेकिन इन गरीब खिलाड़ियों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, शोएब अख्तर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दुनिया के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर की जिंदगी के बारे में बताएंगे जिनका रिकॉर्ड अभी तक कोई और बॉलर नहीं तोड़ पाया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यही रावलपिंडी एक्सप्रेस 5 साल की उम्र तक चल भी नहीं पाया था और 15 साल की उम्र तक वो बॉल पकड़ के भाग भी नहीं सकते थे। लेकिन क्रिकेट का जुनून सर पे सवार होने की वजह से ये अपने घर से 1 घंटे की दूरी पे ग्राउंड में खेलने जाया करते थे, तो इनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। लेकिन शोएब अख्तर पैदल ही ग्राउंड की तरफ चल दिया करते, और फिर जब इनको लाहौर में सिलेक्शन के लिए जाना था तो उस वक्त भी इनकी जेब खाली थी। किराया ना होने की वजह से ये बस पे लटक कर लाहौर पहुंचे थे। वहां इन्होंने रात रोड के किनारे पे एक टांगे वाले के साथ गुजारी। लेकिन आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस बॉलर को जानती और मानती है। इन्होंने अपनी मेहनत के बलबोते पे दुनिया में ऐसा मुकाम पाया है जो क्रिकेट की दुनिया में किसी को नहीं मिला। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी एप्लीकेशन का बताते हैं जो आप। नंबर 6, हारिस रऊफ। दोस्तों, अब हम आपको हारिस रऊफ के बारे में बताते हैं जो 2017 में गुजरावाला में लाहौर कलंदर्स के होने वाले ट्रायल्स के दौरान अपनी बॉलिंग से सबको हैरान करके रख देता है। और तभी कोच आकिब जावेद ने हारिस रऊफ को देखकर कह दिया था कि ये आने वाले दिनों का सुपरस्टार है। अब जरा इनकी जिंदगी की तलखियों पे बात की जाए कि हारिस रऊफ ने किस तरह अपनी जिंदगी के मुश्किल दिन गुजारे हैं। हारिस रऊफ रावलपिंडी में एक दुकान पर सेल्समैन के तौर पे काम करते थे, जहां इनको एक दिन की 250 रुपए मजदूरी मिला करती थी। लेकिन क्रिकेट से इतनी लगन थी कि गली मोहल्लों में टेप बाल से ही क्रिकेट खेलते खेलते ये अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। और इनकी क्रिकेट का चर्चा इतना था कि सारे क्लब्स उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन हारिस रऊफ की फैमिली इनके क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थी, यहाँ तक कि उन्हें क्रिकेट ना छोड़ने पे मार भी पड़ती रही। लेकिन हारिस रऊफ ने घर से चोरी चुपके ट्रायल देकर अपने इंतखाब के बाद सबको मजबूर कर दिया कि उन्हें अब क्रिकेट खेलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, हारिस रऊफ की इन कोशिशों पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, मोहम्मद यूसुफ। दोस्तों, कामयाबी इंसान के अगले कदम पे होने के बावजूद भी अक्सर उसे अंदाजा नहीं होता कि वो कामयाबी के इतने करीब आ चुका है। ऐसी ही कहानी मोहम्मद यूसुफ की है, जिन्होंने दर्जी के तौर पे काम करके अपने घर को चलाना होता था। मोहम्मद यूसुफ बचपन से ही क्रिकेट का शौक रखते थे, लेकिन बल्ला खरीदने के पैसे ना होने की वजह से ये लकड़ी के फट्टे से ही काम चला लिया करते थे। जवान होने तक क्रिकेट का यही शौक इन्हें लोकल ग्राउंड की क्रिकेट तक भी ले आता है। इनकी बल्लेबाजी से इम्प्रेस होके लाहौर के एक क्रिकेट क्लब ने इन्हें क्रिकेट खेलने की ऑफर की, जो ये कबूल करके अपने क्रिकेट का सफर का आगाज कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक ईसाई मजहब से था, लेकिन 2006 में इस्लाम कबूल करके ये अपना नाम यूसुफ यूहन्ना से मोहम्मद यूसुफ रख लेते हैं।
नंबर 4 शाहनवाज धानी। दोस्तों शाहनवाज धानी की बात की जाए तो किसी को क्या मालूम कि ये हंसता मुस्कुराता चेहरा अपनी जिंदगी की कौन कौन सी मुसीबतें बर्दाश्त करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। शाहनवाज धानी सिंध के एक छोटे से गांव में अपने बाप और भाई के साथ खेती बाड़ी किया करते थे। इसके अलावा 3 साल मंडी में भी मजदूरी करके अपने बाबा की मदद करते रहे। शाहनवाज धानी के घर वाले इनके क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे, मगर इन्होंने चोरी छुपे टेप बॉल के साथ अपनी क्रिकेट को जारी रखा। शाहनवाज धानी को जब लाड़काना में अंडर 19 के ट्रायल्स के दौरान क्रिकेट की दुनिया में आने का मौका मिला था तो इनके पास ना जूते थे और ना ही जुराबे। ये सब इनको इनके दोस्तों ने फराहम किया था, तब जाके ये ट्रायल देने पहुंचे थे और आज ये पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन के पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। तो दोस्तों इनको देख के क्या आपको लगता था कि ये जिंदगी के इन हालात से गुजर कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 3 मोहम्मद इरफान। दोस्तों मोहम्मद इरफान 7 फुट 1 इंच लंबे पाकिस्तानी बॉलर दुनिया का सबसे लंबा खिलाड़ी होने का एजाज अपने नाम कर चुका है। हालांकि ये ज्यादा मैच तो नहीं खेल पाए, लेकिन थोड़े से अरसे में ही ये हर किसी की तवज्जो का मरकज बने रहे। एक मामूली से गाँव और गरीब घराने में पैदा होने वाले मोहम्मद इरफान ने बचपन से ही पढ़ाई छोड़कर एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, जहाँ इनको हर महीने 10,000 रुपए महाना तनख्वाह मिला करती थी। लेकिन थोड़ी तनख्वाह के साथ इस फैक्ट्री में काम करना ही इनकी जिंदगी बदल के रख देता है, क्योंकि एक दफा इस फैक्ट्री के मालिक ने मोहम्मद इरफान को क्रिकेट खेलते हुए देख लिया तो उस आदमी ने मोहम्मद इरफान के क्रिकेट के जज्बे को बरकरार रखने के लिए उन्हें शाम के वक्त क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी, बल्कि बजाते खुद मोहम्मद इरफान को बाइक पे बिठा कर ग्राउंड छोड़ के आया करते थे। इस तरह मोहम्मद इरफान अपने इस जज्बे को आगे बढ़ाते गए और आज ये अच्छी खासी शोहरत कमा चुके हैं। नंबर 2 मुश्ताक अहमद। दोस्तों पाकिस्तानी टीम के साबिक बॉलर मुश्ताक अहमद ने अपने एक इंटरव्यू में अपने बचपन की यादें बयान की थी, जिनमें उन्होंने खुद बताया कि वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनकी फैमिली में माँ बाप और 8 बहन भाई होते थे और ये 10 लोग सिर्फ एक कमरे के मकान में ही रहते थे। इनके बाप साहिवाल की गल्ला मंडी में मजदूरी करके रोजाना 100 रुपए कमा कर घर लाते थे, जिससे वो पूरे घर को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खिला पाते थे। मुश्ताक अहमद क्रिकेट के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें क्रिकेट का जुनूनी शौक था, लेकिन गुर्बत की वजह से जूतों के बगैर खेलना पड़ता, जिससे उनके पांव जख्मी हो जाते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत ना हारी और उनके बाप ने खुद भूखे रहकर इनको बल्ला, कपड़े और जूते लाकर दिए थे, जिससे इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रखा था। नंबर 1 हसन अली। दोस्तों गुजरांवाला के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले हसन अली पाकिस्तानी टीम के मैच विनर खिलाड़ी हैं। इन्होंने थोड़े वक्त में ना सिर्फ क्रिकेट में बेहतरीन कारगर्दगी की वजह से, बल्कि अपनी शौक मिजाजी की वजह से भी सबको अपना दीवाना बना लिया है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में हसन अली की परफॉर्मेंस पे जहाँ अफसोस का इजहार किया गया, वही 2017 के इंडिया और पाकिस्तान के मैच में उनकी परफॉर्मेंस नाकाबिले यकीन थी, जब पाकिस्तान के इसी स्टार ने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे। गरीब खानदान और एक गांव से ताल्लुक रखने वाले हसन अली को देख के कभी भी किसी को ख्याल नहीं आया था कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेगा, लेकिन इनकी क्रिकेट के साथ लगन देख के एक क्रिकेट अकेडमी के मालिक ने इन पे सख्त मेहनत की और आज इन्हें शोहरत के मुकाम तक पहुँचा दिया है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 7 ऐसे खिलाड़ी जो बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाने में कामयाब हो चुके हैं। तो इन सब में से किस खिलाड़ी के आप सबसे बड़े फैन हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। गाइस बहुत ही मतलब इमोशनली हिला देने वाली वीडियो थी ये, ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरीज थी इसमें। मतलब मैं बोल रहा था ना जैसे स्टार्टिंग में कि एक कामयाब बंदा आप देखते हो स्क्रीन पर या फिर कहीं भी जो बड़ा स्टार है, उसके पीछे की कहानियाँ ही कुछ और होती हैं। धानी की कहानी हमें इसमें जानने को मिली, क्या खेत वेत में अभी वो मुझे शायद नए लगते हैं अभी T20 का, शायद उनका शायद इन्हीं का, हाँ धानी का ही T20 जो था वो बांग्लादेश में जो डेब्यू था T20 का, आई थिंक इन्हीं का ही था। सबसे इंस्पायरिंग मुझे भाई शोएब अख्तर की शुरू में लगी, क्योंकि वो बंदा मुझे
मतलब ज़बरदस्त लगता है बाय बिहेवियर पर्सनैलिटी जो भी है उनकी, लेकिन उनके बारे में जानकर बहुत शौक लगा मुझे कि 5 साल तक वो चल भी नहीं सकते थे अपने पैरों से और 15 साल तक वो भागकर बॉल नहीं फेंक सकते थे। और मैं आपको अभी बता दूं, आज की करेंट जब ये वीडियो अपलोड हो रही है आज की तारीख में उनके घुटनों में कुछ तकलीफ़ आ गई है, मुझे सुनने में आया है। उन्होंने शायद कुछ वीडियो डाला है तो मैंने उसका टाइटल देखा था, उनकी सर्जरी है घुटनों की, शायद वो चलने काबिल अभी भी नहीं है। और उस बंदे ने दुनिया की सबसे तेज़ बॉल फेंक दी, बताइए आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप शोएब अख्तर से का एग्जांपल लगा सकते हैं इस जगह पर कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। दुनिया की सबसे तेज़ बॉल फेंकने वाला बंदा वो है जो 15 साल तक ठीक से भाग नहीं सकता था, 5 साल की उम्र तक चल भी नहीं सकता था। बताइए उस बंदे ने सबसे तेज़ बॉल फेंक दी भागकर, और इतना लंबा रनअप लेते थे बाउंड्री, मुझे आज भी याद है बाउंड्री के पास से भागकर आता था बंदा शोएब अख्तर और तब बॉल फेंका करता था, सबसे लंबा रनअप लेते थे। ओवरऑल इसमें जो भी थे मुश्ताक मोहम्मद यूसुफ, इसमें जो भी थे सारे चेहरे सारी लोगों की स्टोरी इंस्पायरिंग थी। यहीं से आया है कोई, हर कोई छोटी और गरीबी वाली ज़िंदगी जीकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है गरीब आदमी को, जिसके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, किसी के पास जूते नहीं थे, उसके दोस्तों ने मदद की धानी की, ट्रायल देने जा रहे हैं तो जूते कपड़े नहीं हैं, कुछ बैट खरीदने के पैसे नहीं हैं, किसी के पास कोई एक कमरे में रहकर ज़िंदगी गुजार रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना स्ट्रगल कर कामयाब होना, इंटरनेशनल टीम को अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, बहुत ही बढ़िया सल्यूट है ऐसे दिलचस्प लोगों को और ऐसे जज्बा रखने वाले लोगों को, स्पोर्ट्समैन को। जो मैंने सारी बातें सुनी हैं चाहे वो शोएब अख्तर की हों या किसी की भी हों, वो टांगे वाले के साथ रात गुजारना वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें अगर सही हैं तो कंफर्म कर देना, और इसमें कुछ रह गया हो वो भी आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक और शेयर करें एक बंदे के साथ, सब्सक्राइब कर चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।